साल की तरह इन साल के रमजान मुबारक में तमाम ज़रूरतमंदों में राशन वगैरह की तकसीम की गई है। ये मामूल है, ये मेरी बात नहीं है। मस्जिद मनवरा में जहाँ हर मिली मसाइल और मजहबी मामलात होते रहते हैं, तो ये भी जो है रमजान मुबारक में हम लोग जो है ज़रूरतमंदों का ख्याल करते हुए, और ख़ासकर जो बच्चे डी जी हल्दी के जी हल्दी के इसमें ऐसे लोगों को घरों वालों को भी जो है खास तवज्जो दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80 अफराद को जो है यहाँ से आज राशन मिल जाता है। तो हर साल इस काम को खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं मौलाना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये दूसरी मरतबा है। पहली मरतबा भी हम लोग रमजान शुरू होने से एक दिन कब्ल जो है हमने ज़रूरतमंदों को बुलाकर राशन तकसीम किया था, और ये दूसरी मरतबा है इंशाल्लाह आइंदा भी। तो कैसे आइडेंटिफाई कैसा करते हैं मौलाना? अपने अपने इलाकों के जिम्मेदार अहबाब को हम लोग जो है कुछ टोकन के टोकन की शक्ल बनाते हैं। टोकन के जरिए से हम लोग मोहल्ले के अफराद जो जिम्मेदार होते हैं उनको दे देते हैं, वो वहाँ टोकन वगैरह ज़रूरतमंदों में तकसीम करते हैं, वो लोग यहाँ आकर जो है राशन माह रमज़ान में कितने रेशन तकसीम किया जाता है आपके दायरे से? अभी जो है 80 अफराद को जो है राशन तकसीम किया गया है। रमज़ान शुरू होने से पहले एक दिन पहले भी 30 अफराद ने जो है राशन तकसीम। आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स रहेंगे आपके इदारे को लेकर? अरे हम तो हर अच्छे काम में, हर मिली मसाइल में, हर मिली काम में जो है हम आगे बढ़ चढ़ कर हम लोग जो है मस्जिद मनवरा से काम करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि लोग जो है इस्लाम से, मसाजिद से और मजहबी मकाम से करीब हो। ये भी हमारा एक खास मकसद है, उनकी दिलजोई भी करना हमारा एक खास मकसद है। इसी मकसद के तहत हम लोग ये काम अंजाम दे रहे हैं। तो अनकरीब ईद आ रही है, हज़रत ईद उल फितर आ रहा है, जहाँ पर मुसलमानों को का फ़र्ज़ होता है कि ईदगाह पर जाकर नमाज़ पढ़े। बहुत सारे लोग तमाम मस्जिदों में इंतज़ाम कर लेते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हज़रत? ये बड़े अफसोस और दुख का मकाम है कि बहुत सारे अफराद जो है छोटे छोटे बहाने बनाकर ईदगाहों से हटकर मसाजिद में जो है ईद की जो नमाज़ अदा कर रहे हैं, ये सरासर जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ है और ईदगाहों के तकद्दस को ख़त्म करने का एक ज़रिया बन रही है। बहुत सारे उलमा और ज़िम्मेदारों ने मसाजिद जो है अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़वाद के लिए जो है ईदगाहों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा चलकर ये बहुत बड़ा फितना बन सकता है।